ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूं इस क्वेश्चन को। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी लिमिटेड, कंपनी का प्रॉफिट दे रखा है 60 लाख। प्रॉफिट कितने का था? 60 लाख का। कहता है इसके बाद सब कुछ माइनस किया, टैक्स वगैरह माइनस किया, और जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा बचा ना, वो बचा 15 लाख रुपए। तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी हमारा इसका काम होगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी सर कितने का है? 15 लाख। यहां तक समझ में आए? यानी टोटल कमाया था 60 लाख, उसमें से टैक्स इंटरेस्ट ये सब माइनस किया, तब जाके हमें इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो प्रॉफिट बचा ना, वो बचा सिर्फ और सिर्फ 15 लाख, जिसमें से हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर इतने हैं हमारे, और आपका क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इतने हैं, जो कि फुल्ली पेड अप है, और ये पार्टली पेड अप है। कहता है जो स्टॉक मार्केट मार्केट के अंदर जो रिवील दैट द शेयर ऑफ द कंपनी एंगेज इन द सिमिलर बिजनेस डिक्लेयरिंग डिविडेंड 15%, मतलब इसी टाइप का जो था रिटर्न, वो 15% का डिविडेंड डिक्लेयर किया करता था, और जो इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम 10%, इक्विटी शेयर जो है ना वो महंगे में बिक रहा है मार्केट में। तो सर हमारा इक्विटी शेयर अभी फिलहाल कितने का है? 50 रुपये पेड अप है, लेकिन शेयर मार्केट में इसका भाव 10% एक्स्ट्रा है, प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा है। तो जो हमारा इक्विटी शेयर मार्केट का होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जो मार्केट का होगा, दैट इज 50 तो था प्लस 10% प्रीमियम 5, तो ये आ जाएगा 55 रुपए। सर 100 रुपए पे आपने 10% क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जितना शेयर्स पेड अप होता है ना, उसी के ऊपर प्रीमियम को हम काउंट करेंगे, ना कि फेस वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना? वो जब हम फ्रेश इशू करते हैं ना, तब हम फेस वैल्यू पे काउंट करते हैं। यहां इशू नहीं हो रहा, यहां पे तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं। व्हाट डू यू आर एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर टू बी बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑन द यील्ड मेथड। यील्ड मतलब डिविडेंड वाला, वही मेथड कह रहा है कि डिविडेंड वाला मेथड है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी, नीचे आंसर देखोगे, डिविडेंड बेस के लिए हमारा कितने का आ गया? 55 रुपए, जो कि हमने निकाल लिया कि हमारे वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? 55 रुपए, ठीक है। अब सर प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट कितने दे रखे हैं बताओ? 60 लाख। नहीं नहीं ये नहीं है, 15 लाख है ना जो हमारा काम आने वाला है। इसमें से माइनस क्या कर देंगे? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, दैट इज 12%, और 25 लाख रुपए पे 12% होगा, क्योंकि 100 रुपए का 1 मल्टीप्लाई करोगे, तो 25 लाख पे, यानी 12 रुपए एक शेयर पे और 25,000, तो 3 लाख का डिविडेंड हो गया। दैट इज ये आ गया हमारा कितने का सर? 12 लाख रुपए का क्या आ गया हमारा? जो अर्निंग फॉर किसके लिए है? इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग किसके लिए है? ये इक्विटी शेयर होल्डर। अब हम डिविडेंड का रेट निकालेंगे, याद है कैसे निकालते थे डिविडेंड का रेट? जो अर्निंग है डिवाइड किससे करते थे? वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी का नाउ वैल्यूएशन कितना है हमारे पास? तो देखा जाए तो 55 रुपए का शेयर है अब, तो है ना, अब शेयर कितने का हो गया हमारा? 55 रुपए का। तो हम लगाएंगे 55 × 1 लाख इक्विटी, 1 लाख है ना, 1 लाख, हाँ, तो ये आ गया 55 लाख, और इंटू में 100, एक मिनट, यहां पे जो ओल्ड वैल्यू है वो लिया जाएगा। ओल्ड वैल्यू क्या था हमारा? 50 लाख लिया जाएगा, 50 लाख। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 24%। कितने आ गए? 24%। नाउ आपका वैल्यू पर शेयर क्या आता है? वीपीएस क्या आ जाएगा? सर हमारा ये वाला रेट 24 डिवाइडेड जो पहले से रेट दे रखा था, दैट इज इनटू में पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू अब जो आएगा वो कितने का आ जाएगा? 55। 88, ये आ गया 88, जो हमारा
यील्ड बेसिस पे प्राइस आ गया दैट इज 88 रुपीज। क्लियर है? यानी सर इस सवाल में नहीं क्या सीखा हमने कि अगर कोई शेयर प्रीमियम पे जा रहा हो तो उस हिसाब से क्या करना होगा। ठीक है, एक और सवाल देखें। अब देखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू मेथड या ड्यूअल मेथड। लास्ट मेथड है फेयर वैल्यू मेथड या ड्यूअल मेथड। सर फेयर वैल्यू मेथड या ड्यूअल मेथड क्या होता है? एक हम यील्ड के हिसाब से निकाल देंगे प्राइस, और एक निकाल देंगे हम नेट एसेट्स के मेथड से। दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर दो दोनों आंसर को, यही हो जाता है हमारा ड्यूअल मेथड। ये कौन सा मेथड हो जाता है हमारा? ड्यूअल मेथड। करना कुछ नहीं है, एक एक्चुअल एवरेज क्या है फेयर प्राइस को भी कह देते हैं हम। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल देख लेते हैं इस बेसिस पे। हाँ 50 पेड अप, क्या नीचे 50 लाख पेड अप है, 1 लाख शेयर 50 रुपए का। अच्छा ये सवाल इधर है, चलो यहीं लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्यारह का आंसर दैट इज हियर। क्वेश्चन चलिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है सर, सारे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल, और आपकी किताब में भी क्वेश्चन होगा ये। चलिए क्वेश्चन थोड़ा क्या कहता है। द कंपनी बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड का बैलेंस शीट है 31/3/2017 का। द कंपनी प्रोस्पेक्टस 2018 17 और 18 का आर गुड, और जो प्रोस्पेक्टस कहता है बिल्डिंग कहता है अब इतने का हो जाएगा यानी 3.5 लाख का हो जाएगा। प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का गीवन है आपको कि हर साल इंक्रीमेंट लग जाएगा। साहब कितने रुपए का इंक्रीमेंट लग जाएगा? एनुअल इंक्रीमेंट 50,000 का, और जनरल रिजर्व में हम 25% ट्रांसफर करेंगे। प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कैपिटल एंड डिविडेंड, कहता है कि प्रेफरेंशियल शेयर आर प्रेफरेंशियल एज अ कैपिटल एंड डिविडेंड, जो कि प्रेफरेंशियल शेयर का हमें सबसे पहले देना है वही करना है कि डिविडेंड और ये देंगे। कहता है आगे नॉर्मल रेट, यानी हमें जो रेट मार्केट में नॉर्मल कैपिटल रेट दे रखा है वो 15% है। तो यहां तक की जानकारी से हम क्या निकाल सकते हैं सर? यहाँ की यील्ड वाला मेथड निकाला जा सकता है। आगे कहता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी ड्यूअल मेथड से निकालना है अप्रोप्रिएट बेसिस कंसिडरिंग द बिलो ऑफ द मेंशन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब ड्यूअल मेथड के लिए हमें दोनों मेथड का आंसर आना जरूरी है, एक नेट एसेट्स मेथड वाला भी और एक यील्ड वाला भी हमारा आना जरूरी है। तो इक्विटी शेयर और यहां पे हमारा एसेट्स दे दिया, और एसेट्स के साथ साथ कुछ जानकारी नीचे आपको सारा आंसर दे रखा है। तो पहले हम नेट एसेट्स मेथड से ही निकाल लेते हैं, फिर आ जाएंगे हम दूसरे पे। अरे चलिए अभी मैं कमेंट किसी का नहीं देख रहा, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले एसेट्स में एक एसेट्स का वैल्यू दे दिया है, बिल्डिंग नेट वर्थ आपको बता दिया है। तो एसेट सबसे पहले क्या दे रहा है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने का है साहब?
सर बिल्डिंग है 3.5 लाख रुपए का, तो मार्केट वैल्यू लेते हैं ना, शायद याद हो आपको। तो इसके बाद प्रॉफिट वगैरह तो यील्ड वाले के काम आएगा, प्रेफरेंस शेयर बाद में देखेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाद में देखेंगे। अब यहां देख लेते हैं एसेट्स में क्या है। बिल्डिंग वाला तो हो ही गया पार्ट, फर्नीचर के बारे में सवाल ने कुछ नहीं बोला तो लिख ले। इसके बाद हमारा करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है और फेस वैल्यू ये है और है इतने का, तो हम जितने का वैल्यू है वो लेंगे हम, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तीन लाख 35 हजार। इसके बाद आपका इन्वेंट्री मार्केट वैल्यू 4.50 दे ही दिया इसने, इन्वेंट्री 4,50,000। ट्रेड रिसीवेबल सन्ड्री डेटर 280, आगे कहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारे पास कितने का, 60,000। आगे कहता है अदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो वैसे भी फिक्टिशियस एसेट्स का, इसको ऐड ही नहीं करना, अगर ऐड होता है तो हम माइनस और कर देते हैं उसको, और कोई एसेट्स बोल नहीं रहा। लाइबिलिटी के अंदर देखा जाए तो सिर्फ फुल्ली पेड अप लाइबिलिटी है, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइबिलिटी है ही नहीं, तो टोटल एसेट्स आ जाएगा हमारा, या ग्रॉस एसेट्स भी बोल सकते हो आप। इसमें से लेस क्या आ गया बताओ, 14 लाख कितने, 78,000। इसमें से क्या क्या लेस करना है सर, क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या क्या है सर हमारे पास, बस ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर कितने का लेस करना है सर, 48। और क्या माइनस करते हैं सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस कर देते हैं सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखिए कितने का, 1 लाख का। अब टोटल आ जाएगा हमारा नेट एसेट्स, सर नेट एसेट्स बताइए क्या आया, क्या आ गया, 13,30,000। सारी चीजें ले ली हमने, क्या यहां पे हमारा वैल्यू ऑफ शेयर्स निकल सकता है, वैल्यू पर शेयर यही निकाल देते हैं, दैट इज 13,30,000 और डिवाइड किससे करेंगे बताओ, नहीं नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है या 10,000 है, 1,000 है, अच्छा 4,000 है, 4,000 बताइए क्या आएगा, कितने, 332.5। पहला हमारा आंसर आ गया नेट एसेट्स मेथड से, नीचे लिखा हुआ भी है नेट एसेट्स मेथड से ये आंसर है, ठीक है। अब दूसरा आंसर निकालना पड़ेगा हमारे, कौन सा, डिविडेंड मेथड, डिविडेंड मेथड से यानी ईल्ड मेथड, ईल्ड मेथड के लिए हमें प्रॉफिट लेना होगा सर, हेयर प्रॉफिट जो दे रहा है ना, करंट ईयर का प्रॉफिट 4,30 है, पुराने साल का प्रॉफिट नहीं लेते हम, करंट ईयर का प्रॉफिट लेते हैं, दैट इज 4। और कहता है सवाल में हर साल का इंक्रीमेंट भी लगेगा, कहीं बोल रहा था ये रहा, तो इस साल भी इंक्रीज हो जाएगा, कितने का बचे कितने, और कहता है हम 25% रिजर्व में भी देंगे, तो कोई बात नहीं भाई साहब, 25% भेज दो रिजर्व में, माइनस में रिजर्व 25% निकाल लो, इसका क्या बनता है, 4,80 का 25% 120। और सर क्या माइनस करते हैं, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी माइनस कर देते हैं ना, तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देखा जाए तो 1 लाख का 8% कितने हो जाएगा, और क्या माइनस करते हैं, ट्रांसफर टू जनरल जो ही तो माइनस कर ही दिया, बस और कुछ नहीं, कितने आ गए, माइनस 8,000, 352 कितने आ गए हमारे, 352। 352 में सबसे पहले अब डिविडेंड निकालना होगा हमें, तो डिविडेंड का रेट कैसे आएगा, 352 डिवाइडेड बाय वैल्यू कितने का है, 4 लाख,
ये आ गया, दैट इज 88%। 88% के बाद अब हमें क्या निकालना है, रेट। तो आपका वीपीएस क्या आ जाएगा सर, वैल्यू पर शेयर, मैंने बोल दिया इसको 88 डिवाइडेड बाय इनटू में एक शेयर्स का प्राइस 100। तो 586.66 आ गया, ठीक है, दोनों से वैल्यू निकल गया। अब डुअल मेथड क्या कहता है भैया, दोनों के वैल्यू को आप ऐड कर दो और डिवाइड टू कर दो, इसे डुअल मेथड कह दो या फेयर वैल्यू मेथड कह दो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो सर दोनों का वैल्यू निकाल के डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा हो गया नेट एसेट्स मेथड से या इंट्रेंसिक, ये कितना आया सर, अरे 332 रुपये 50 पैसे। और हमारा यील्ड मेथड 585.66 है ना। अब दोनों को डुअल मेथड निकाल लेते हैं। सवाल में देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट पूछा गया है, क्या पूछा गया है सर, कहां गया, कहां गया, इक्विटी शेयर बाय डुअल मेथड, बस एक ही पूछा गया है। क्या 86 है ये, चलो 86। ये क्या होता है हमारा वीपीएस एज पर कौन से मेथड से, नेट एसेट्स या इंट्रेंसिक बोल लो, प्लस वीपीएस। वीपीएस क्या है, वैल्यू पर शेयर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, बड़ा लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये कौन सा मेथड से, डिविडेंड मेथड, और डिवाइड किससे कर देंगे हम, टू से, दैट इज आपका आ जाएगा 332.50 प्लस में 586.66 डिवाइडेड बाय टू। बताइए बताइए, 4.6 ये आ गया आंसर हमारा, 658.1, दो तो आगे पीछे जाए, ठीक है। बताइए किसी बच्चे का डाउट इसमें, आपके टेनियर में भी शायद डुअल मेथड वाला क्वेश्चन था ना, लास्ट वाला था, देखना कौन सा है, नहीं है मेरे ख्याल, दिखा 8वां क्वेश्चन डुअल वाला तो नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ये आगे। और कौन सा क्वेश्चन करें देख लेते हैं, क्लियर है। बाकी सारे क्वेश्चन देखो आप, टेनियर वाला देख लेते हैं लास्ट में क्या था, नहीं था, मैंने तो देखा भी नहीं। एक सवाल तो मैंने ही कहा कि नहीं होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि उसके अंदर मुझे थोड़ा वैल्यू ऑफ गुडविल है, जो कि अगली क्लास के अंदर वैल्यू ऑफ गुडविल स्टार्ट करेंगे उस बेसिस पे। ये कौन सा मेथड है भाई, कौन सा मेथड है, डायमंड लिमिटेड है, ये हो जाएगा नहीं होगा देख लो, एक का आप सबके पास टेनियर तो है, ये देख लो हो जाएगा नहीं होगा, नहीं तो मैं कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लीजिए, अगर आपसे हो जाता है तो ठीक, नहीं तो मैं कर दूंगा। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के 10K क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया, ओके। शैली आपने बोला 10K, अब 10K समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो,
एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए नहीं करवाए देख लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का चेक करिए, 10 ईयर में से मैंने करवा दिए थे सारे क्वेश्चन क्लास में या नहीं? शायद एक, हाँ सारे नहीं कराए थे, कितने करा दिए थे? फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था। अरे बहुत कराए थे, फर्स्ट ही थोड़ी कराए। हाँ अच्छा, 10 ईयर के क्वेश्चंस, तैली का कहना है 10 ईयर के क्वेश्चंस नहीं हुए, कैश फ्लो स्टेटमेंट 10 ईयर के क्वेश्चन नहीं हुए। अच्छा 10 ईयर के क्वेश्चन कितने नहीं हुए दिखाना, कितने क्वेश्चन डाले इसमें, डिफरेंट डाले थे। तो मैं इसको ना अलग से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो मैं इसे अलग से रिकॉर्ड करके डालूंगा जो 10 ईयर के नहीं है, जितने नंबर नहीं हुए मुझे बता दीजिएगा। अब मैं इसके ना कुछ दो चार और सवाल, वैसे तो हमने इतने सवाल कर लिए, देखो 12 सवाल बुक के कर लिए, 8 सवाल हमने किसके कर लिए, 10 ईयर के कर लिए, तो 12 और 8 कितने हो जाते हैं, 20 सवाल कर चुके हैं। तो हाँ कितने 10 ईयर के, 15 हुए थे, 14 तक करे थे ना, मैं देख लूंगा एक बार वेरीफाई कर लूंगा। और आप मुझे सबसे पहले बताइए इसके कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रैक्टिस, हम बीपीएस वाले, वैल्यू पर शेयर वाले, कितने हो गए होंगे? मेरे हिसाब से 10 और आज 11, 10, 12 और 9, 18, 19 क्वेश्चन हो गए होंगे, देखो एक बार चेक करो। 8 क्वेश्चन तो 10 ईयर के ही थे, 17, 18 हो गए, 2-3 क्वेश्चन और डाल दूंगा कंटेंट में, आपके सवाल सारे कंप्लीट हो जाते हैं, यानी मैं वीपीएस वाले चैप्टर को खत्म करता हूं।